और चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ब्रेड चाट। यह सरसों तेल, और ये है काबली चना, है ये छोले रात भर भिगोए हुए, और जब भी आपको चाट बनाना हो तो जब छोले को भिगोएंगे उसी टाइम इमली को भी भिगाएंगे और खजूर को भी काट के बीज निकाल के इसको भी पानी में डाल के रख दीजिए। इसका बनाएंगे गुड़ इमली की चटनी। पहले छोले बना लेते हैं, तो तेल इसमें सरसों तेल है, यह दो तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा, यह है दो प्याज, डालिए इसमें ये चना, अब इसमें है जीरा मरीच, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और एक छोटा सा प्याज। और ये हल्दी पाउडर, डालिए नमक, ये गरम मसाला, यहाँ और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, अब ये चना अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें डालिए पानी और ये है एक टमाटर, अब बनाएंगे इमली खजूर गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। तो ये खजूर है बीज निकाल के फुलाया हुआ, इसको पीस लीजिए।
उसको छान लीजिए। ये है इमली, इसको भी छान लेंगे। थोड़ा सा इमली का खट्टा वाला पानी बनाएंगे, तो ये जो बाकी का इमली बचा हुआ है इसको अच्छी तरह से धो के निकाल लीजिए। और इसको भी छान लीजिए। अभी इसको साइड में रखते हैं। अब ये डालिए गुड़। ये है काला नमक, और ये है प्लेन नमक। कश्मीरी लाल मिर्च गरम मसाला और ये है भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डालिए, तब मार्केट के जैसा चटनी का कलर हो जाएगा। थोड़ा सा जीरा और सौंफ है। इसको कूट लीजिए। और इसको डालिए चटनी में।
अब यह चटनी बनके तैयार है। इसको गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब ये है थोड़ा सा उबला हुआ आलू। यह आलू, इसमें ये एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च है और प्याज डालेंगे। नमक, और ये है चावल का आटा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर या अरारोट तो भी डाल सकते हैं। और ये है चावल का आटा, इसको डाल के मिलाइए अच्छी तरह से। इस तरह से आलू को मिक्स कर लीजिए। अब ये जो खट्टा वाला पानी बना के रखे थे, इसके लिए यह है थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। और एक ये हरी मिर्च। नमक डाल के इसको कूट लेंगे। थोड़ा सा काला नमक और प्लेन नमक इसमें पहले से डाला हुआ है। अब ये प्याज इसमें डाल दीजिए। और ये भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर। और ये खट्टा पानी चटपटा बनके तैयार है। इसको रख देंगे साइड में। अब मुझे थोड़ा सा दही, चाहे तो इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। आओ आओ जा कर रहे भूल जाता है। ये है सरसों तेल। और ब्रेड के पीस में इस तरह से ये आलू को लगाइए। इसी तरह से सभी ब्रेड में लगाते जाइए और फ्राई करते जाइए।
भी कटेगा और इसको अच्छे से उलट पुलट कीजिए। ये ब्रेड फ्राई होके तैयार है। अब इसमें चार डालिए ये चटनी। और ये खट्टा वाला पानी। अब डालिए इसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची, काला नमक, और ये है भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर। और ये ब्रेड चाट बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। इसको जरूर बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।